सब्सक्राइब कीजिए टेक मास्टर मुंशी यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, हमारी पॉपुलर मैसेजिंग ऐप यानी कि व्हाट्सएप की तरफ से एक चौंका देने वाली खबर आई है, जिसके अनुसार 31 दिसंबर 2017 के बाद कुछ स्मार्टफोन्स पर व्हाट्सएप की सेवाएं बंद हो जाएंगी। तो आइए जानते हैं कौन कौन से स्मार्टफोन्स हैं इस लिस्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आप देख रहे हैं टेक मास्टर मुंशी। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। यो, टेक मास्टर मुंशी। दोस्तों, आपको मालूम हो तो साल 2017 की शुरुआत में व्हाट्सएप ने घोषणा की थी कि अब हम अपना सारा ध्यान iOS और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर लगा रहे हैं। उस वक्त कंपनी ने कहा था कि हम भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं और हम व्हाट्सएप को iOS और एंड्रॉयड के लिए और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि iOS और एंड्रॉयड दोनों ही सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है और आने वाले समय में भी इनकी लोकप्रियता बरकरार रहेगी या और भी ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए हम इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए व्हाट्सएप को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएंगे और आने वाले समय में कई नए फीचर्स लेकर आएंगे। और दोस्तों, जैसा कि आज हम देख भी रहे हैं, व्हाट्सएप रोज़ नए नए फीचर्स ला रहा है। खैर, अब बात करते हैं कंपनी की नई घोषणा की, जिसने सबको चौंका दिया है। जी हाँ, कंपनी कई स्मार्टफोन्स के लिए 31 दिसंबर 2017 से अपनी सेवाएं बंद करने जा रही है और इस लिस्ट में उन प्लेटफॉर्म्स का नाम शामिल है जो बहुत पुराने हो चुके हैं या आजकल ज़्यादा चलन में नहीं है। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर आता है ब्लैकबेरी का। तो ब्लैकबेरी के ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैकबेरी 10 और उससे पुराने वर्जन पर चलने वाले जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उन पर व्हाट्सएप की सेवाएं 31 दिसंबर 2017 के बाद बंद होने वाली है। उसके बाद बात करें विंडोज़ की, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के विंडोज़ 8.0 और उससे पुराने वर्जन पर जितने भी स्मार्टफोन्स या टैबलेट्स रन कर रहे हैं उनमें भी 31 दिसंबर 2017 के बाद व्हाट्सएप की सेवाएं बंद हो जाएंगी। व्हाट्सएप के अनुसार अब वो इन प्लेटफॉर्म्स के लिए सक्रिय रूप से कोई काम नहीं करेंगे, जिससे व्हाट्सएप के कई फीचर्स इन पर काम करना बंद कर देंगे और भविष्य में व्हाट्सएप के जितने भी नए फीचर्स आएंगे वे इन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पुराने हो चुके हैं और व्हाट्सएप के कई फीचर्स को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे नंबर पर आता है नोकिया का सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, नोकिया का सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पता है नोकिया के बहुत सारे स्मार्टफोन जो हैं सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चल रहे हैं। पुराने जितने भी फ़ोन हैं उनके लिए भी 31 दिसंबर 2018 के बाद यानी एक साल बाद व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। तीसरे नंबर पर है हमारा सबसे प्यारा और चहेता पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड। व्हाट्सएप के अनुसार 1 फरवरी 2020 के बाद एंड्रॉयड के पुराने वर्जन 2.3.7 और उससे पुराने जितने भी वर्जन से उन पर काम करने वाले स्मार्टफोन्स पर भी व्हाट्सएप की सेवाएं बंद हो जाएगी। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहली बात तो इतने पुराने वर्जन पर चलने वाले फ़ोन आजकल मार्केट में बिल्कुल ना के बराबर हैं, तो इससे खास कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं मेरे हिसाब से। तो बाकी आपकी क्या राय है मुझे बताना। लेकिन इसके साथ ही व्हाट्सएप ने एक चेतावनी जारी की है और वो ये है कि भविष्य में एंड्रॉयड 4.0 यानी कि किटकैट और उससे पुराने वर्जन पर चलने वाले फ़ोन्स के लिए व्हाट्सएप की सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। वहीं बात करें अगर iOS की, तो iOS 7 और उससे पुराने वर्जन्स पर चलने वाले सारे iPhones पर भी व्हाट्सएप की सेवाएं बंद हो जाएगी। और अगर बात करें विंडोज़ की, तो विंडोज़ 8.1 या उससे पुराने वर्जन पर चलने वाले जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उन पर भी व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। तो दोस्तों, व्हाट्सएप के इस फैसले पर आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस यार, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और इस वीडियो के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे जाकर कमेंट कर देना। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ये जो सब्सक्राइब वाला बटन है इसको दबाकर हमारे टेक मास्टर मुंशी परिवार का हिस्सा बनिए, और इसके बगल में जो घंटी का बटन दिखाई दे उसको दबाकर ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।
गुड बाय।